इलेक्ट्रोमैटिक थ्री वन और इस लेक्चर से हम चैप्टर नंबर फाइव स्टार्ट करेंगे और जितने हमने डिस्कशन करी थी इलेक्ट्रोसैटिक्स पे कर चुके हैं तो काफ़ी हमने टाइम स्पेंड कर लिया उन फिन पे जिसमें चार्जेस रेस्ट में होते हैं और हमें कहा जाता है कि इसका आप वो डायनमिक्स बताएँ सटन पाइट पर फोर्स बताएँ फोर्स जब बता दिया आपने एक्सटेशन बता दिया एक्सटेशन बता दिया तो आपका आप, जो है बाकी डायनामिक्स भी बता दिया आपने तो पहला टॉपिक है इसमें मैरटो स्टडी का द लॉरेंस फोर्स लॉ और बुक एग्जैक्टली हम वो यूज कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बाय इलेक्ट्रोडीज और थर्ड एडिशन लॉरेंस फोर्स लॉ का जो टॉपिक है उसका सब टॉपिक पहला हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड्स ठीक है और अगर आप याद करें कि हमने जहाँ से स्टार्ट किया था ये कोर्स और खास तौर पर सेकेंड चैप्टर में तो हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रो में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक सर्टन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक पॉइंट पे अगर आप एक टेस्ट चार्ज रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स क्या अप्लाई होगी या उस पर उस पॉइंट पे आ, उस पॉइंट पे आ, अगर मैं चार्ज रखूँ तो उसके ऊपर फोर्स क्या है तो ये हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में आए तो हमने चार्जेस कंसीडर किए ये वाले सोर्स चार्जेज रेस्ट में और आ, हमने देखा कि सोर्स चार्जेस अगर रेस्ट में हो तो एक पॉइंट पे अगर चार्ज रखा जाए बेसिक वो मोशन में भी हो तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगती है तो इसके ऊपर अब देखेंगे, कुछ अलग हैं और अब हम जो देखेंगे कि हमारे पास फो, उन उन चार्जेस का बिहेवियर देखेंगे जो हमारे पास चार्जेस मूव हो रहे हैं जो मोशन में है ठीक है तो मोशन में भी दो टाइप हो सकती हैं एक हो सकता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे और दूसरा टाइप हो सकता है कि वो एक्सीलरेट करे तो इस चैप्टर में जो मैगनेट में, में हम डील करेंगे कि वो हमारे पास जो चार्जेस हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे नहीं करेंगे ठीक और जो हमें इनकरेज करते हैं कि आप एक नई चीज नए बिहेवियर की तरफ जा रहे हैं और वो जो एग्जिस्टिंग हमारी थ्योरी है वो उसको एड्रेस नहीं करती वो ये कि अगर आप एक दो वाइज जो है वो सीलिंग से अटैच कर दें जैसे ये हमने की हुई है इन दो वायर को यहाँ से अटैच यहाँ से अटैच किया हुआ है और बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है तो आप ये देखें एक वायर में जो करंट है वो ऊपर की तरफ है और दूसरी वायर में जो करंट है वो नीचे की तरफ है दोनों करंट एंटी पैरल है ठीक और एक और फिनोमेना ये हो सकता है कि हम इन्हीं वायर में करंट किसी तरह मैनेज करें दो बैटरी शेयर लगा दें या फिर और भी एक सर्कट हो सकता है एक ही बैटरी के साथ कि आप करंट को पैरल मूव करवाएं ठीक है थीक? जैसे यहाँ पे हो रहा है तो आप यहाँ पे ये देखते हो कि जो करंट्स पैरल हैं वो दो उन पैरल करंट्स की वजह से फोर जो वायर्स हैं वो आपस में अट्रैक्ट हो जाती हैं एक तरफ पुल होती हैं एक दूसरे की तरफ और जो आपके पास ऑपोजिट करंट हैं वो एक रिपेल होते हैं एक दूसरे से दूर भागते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि शायद इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस हैं है तो करंट ही इसमें और करंट हमारे पास नेगेटिव चार्जिंग की वजह से फ्लो ऑफ चार्जेस है तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई मैं ये चार्जेस की वजह से और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मक्की से नेचर की लेकिन जैसे ही आप एक वायर में करंट फ्लो होने फ्लो करते हैं और उसके साथ आपको स्टेशन चार्ज ला के रखते हैं तो आप देखते हैं उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है ठीक है और जबकि आपके पास एक वायर पर कोई चार्ज होता भी नहीं वो एज अ होल न्यूट्रल होती है क्योंकि एक चार्ज में जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने तो ही पॉजिटिव चार्ज चार्ज होते हैं तो एक तो न्यूट्रल है दूसरी बात ये कि आप उसके पास चार्ज लाए तो वो फिनोम शो नहीं करेगा तो ये जो फिनोमिना है से इलेक्ट्रोस्टैटिकली डिफरेंट है ये जब आपके पास चार्जेस जो है वो आपके पास मूव कर रहे हैं ठीक तो इस चीज को आप एड्रेस कर सकते हैं ये आ, जो फील्ड है जो नई कोर्स कर रही है फोर्स को और फोर्स तभी अप्लाई हो रही है जब आपके पास चार्जेस मूव हो रहे हैं तो इसको फाइंड करने का एक आसान तरीका कार्य होता है कि आप कंपस लाए ठीक है तो आप कंपास लें और उसके आ, आ, जो आपके पास वायर है वायर में करंट फ्लो कर रहा हो और आप उसके साथ कंपास रखेंगे वो हर पॉइंट पे आपको जो उसका एक पोल है वो बताता जाएगा कि इस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है तो इ, इ, इस एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग से आप ये देख सकते हो कि जो फील्ड है वो ना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है और ना टूवर्ड्स द वायर है ना टू ना फ्रॉम ना वे फ्रॉम द वायर है इस वायर के और ना टू वायर है बल्कि इसके परपेंडिकुलर है और इस ये आ, कुछ इस तरह से एंगल बना रही है और जबकि फोर्स आपके पास इस तरफ है देखें ये करंट दोनों पैल मूव कर रहे हैं ठीक और आपको कैंपस ये बताती है कि जो मैग्नेटिक की डायरेक्शन ये है ठीक है इन और करंट जब के आपके पास, पास। तो करंट का भी पता है आपको करंट की डायरेक्शन पता है वो आप आ, 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 जो है बैटरी जो आपने अटैच की हुई है उससे आपको बात चले कि करंट की डायरेक्शन ये दूसरी चीज के आपको फोर्स नजर आ रही है कि फोर्स इस डायरेक्शन में और कैंपस कैंपस रख के आपने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किया तो वहां से ये आसानी से आप ड्रा कर सकते हैं तो इसकी वजह से आपने फोर्स लिखनी हो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी ये एक्सप्रेशन आपको मोटिवेट कर रहा है कि इन जो ये परपेंडिकुलर थिंग्स हैं तीन चीजें हैं एक आपके पास मूवमेंट ऑफ चार्ज है आपके पास एक फील्ड है, है।, है और तीसरे आपके पास मैग्नेटिक मैगनेटिकोर्स तो ये चार्ज हमारा अगर इस वेलोसिटी से मूव कर रहा हो ठीक है ये देखें ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो तो आपके पास जो फोर्स है वो उसके ऊपर ये लगेगी ठीक है तो आ,

और अगर आपके पास दोनों प्रेजेंस हो दोनों आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो तो दोनों की वजह से फोर्स कंट्रीब्यूट करेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपको पता है क्यू ई फोर्स होती है और मैग्नेटिक फील्ड की अभी हमने देखी है वो क्यू प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी तो ये हमारे पास है लॉरेंस फोर्स लॉ एक दो प्रॉपर्टीज जो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में है पहली प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट वर्क ठीक है तो मैगेटिक फोर्स की वजह से हमारे पास कोई वर्क डन नहीं होता जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वर्क डन होता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील चार्ज जो है अगर आप इलेक्ट्रिक uh, फील्ड में रखें तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने लग जाता है तो ये उसके ऊपर वर्क डन कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने लग जाता है तो ये वर्क डन कर रही है तो इसके केस में अगर आप देखें कि मैगट फोर्स को क्वांटिटेटिवली किस तरह वर्क डन जीरो हो रहा है लेट्स से हमारे पास एक क्यू चार्ज है मूव होता है और मूव कितना डिस्टेंस होता है वो डेल्टा एल है ठीक है तो डी एल हमारे पास इतने डिस्टेंस से हमारे ये जो, आ, चार्ज है, वो मूव हो रहा है ठीक है तो एक velocity v से ये move होता है और इतने टाइम के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लेट से वो हमारे पास ये है ठीक है

जिसकी वजह से जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा जिसमें वी एग्जिस्ट करता है ठीक है यही होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में रहता है तो आपके पास अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो तो क्वॉंटिटी दिमाग में बी और ये वी है ठीक है तो जो इसका आपके पास क्रॉस uh, प्रोडक्ट होगा वो एग्जैक्टली exactly इसके परपेंडिकुलर होगा तो इस परपेंडिकुलर वेक्टर की अगर दोबारा आप इस वेक्टर के साथ वी के साथ डॉट लें जो लेंटली exactly परपेंडिकुलर तो वो जीरो देगा एग्जैक्टली exactly. तो ये हमारे पास डन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज जीरो आप वो अक्सर फिनोमिना से मिलेंगे जिसमें आपको नजर आएगा और इसकी नेचर वही है जैसे हमने देखी दो बार के दरम्यान में के ये वर्क uh, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अटैक भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का केस था ठीक तो uh, इस में मजीद डिटेल में जाने के लिए जाने से पहले हम ये देखते हैं कि आपके पास मैंने जैसे बताया कि वकडन इसके लिए वजह से कॉज नहीं वगडन नहीं हो सकता मैटी की वजह से लेकिन इसकी वजह से बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्ट्रीज बन सकती हैं चार्जेस की ठीक अगर वो मैटी फील्ड में मूव हो रहे हैं आप सर्टन एंगल पर उसको थ्रो करो तो आप देखेंगे कि बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्ट्रीज बनती है जिसमें से एक मैंने शो की है इसे कहते हैं साइक्लोट्रॉन मोशन तो आ, आ, केस ये है के मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज आप अगर इसको इमेजिन कर लें कि मेरे पास ये वाली साइड y एक्सिस है और ये वाली x एक्सिस है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है या फिर नेगेटिव जेड की डायरेक्शन में और आ, मैं क्या करता हूँ कि इस यहाँ इस पॉइंट पे एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैं वेल ये पार्टिकल जो है वो करता हूँ शूट करता हूँ तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव मैगेटिव की तरफ है पार्टिकल मैंने जो इनिशियल वेलोसिटी दिया है वो बिल्कुल एग्जैक्टली डायरेक्शन में है। तो परपेंडिकुलर तो आप देखेंगे इस प्रोडक्ट के मुताबिक ये आपके पास है v क्रॉस b आप राइट हैंड रूल यूज करें जिस तरह वो मैंने शो की थी आपको कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी हो तो आप रखें थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ठीक है

ये इसकी डायरेक्शन ये फोर्स की डायरेक्शन होगी तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है क्योंकि आपका जो ये ऑब्जेक्ट है प्लेन में मूव कर रहा है हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस चार्ज के परपेंडिकुलर होगी तो वो क्या करेगी इसे इसे सर्कल में मूव कराना शुरू हो जाएगी ठीक है जिसका रेडियस आर है तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर चार्ज को शूट करते हैं तो वो एक सर्कल में मूव करने लग जाएगा तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो सकती है आप ये देख सकते हैं यहाँ से तो इसको ये ये एक सर्कल सर्कल में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन है और आपको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कल मोशन हो तो एक जो आपके पास फोर्स कॉज हो रही है और एक जो वो इक्वल होगी फोर्स वो इक्वल होगी सेंटिपिटल फोर्स के तो चूंकि आपके पास वी और बी परपेंडिकुलर हैं तो वी बी साइन थीटा 90 आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू वी बी तो वी क्रॉस बी का रिजल्ट है तो इस पार्टिकल का जो स्क्टीम फोर्स कहते हैं को आप इसको अच्छे से वाकिफ है तो आप इसको uh, अच्छे से लिख सकते हैं वो कैसे लिख सकते हैं आप इसको कैंसिल आउट कर दें एक वी आपका क्या कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास ये बन गया मोमेंटम मोमेंटम इज इक्वल टू एम एक और ये आप आर उस तरफ ले जाए तो ये बन जाएगा क्यू बी आर तो एक अच्छा ये एक, एक तरीका कार है आपके पास इस तरह मैगि फील्ड में अगर आपके पास एक, पास एक पार्टिकल मूव कर रहा है आप उसको उसका मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं आसानी से क्योंकि जो मैगटी फील्ड आपने अप्लाई की है ये सर्टन आप के कंट्रोल में हो सकती है आप एक्सपेरिमेंटली जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हो उसी तरह मैगडी फील्ड भी कर सकते हो आप ठीक है तो चार्ज लेट से आपको पता है और आप जो जितने रेडियस में वो मूव कर रहे हैं आप वो आसानी से स्केल से मैयर कर सकते हो तो आप बता सकते हैं कि उसका चार्ज का मोमेंटम क्या है तो और भी क्वांटिटी अगर आपको इसमें से कुछ पता है तो आप एक अन फाइंड कर सकते हैं तो ये तो केस है जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज है एग्जैक्टली exactly शूट करते हो आप पर पेंडिकुल मैग्नेटिक फील्ड तो ये आपके पास सर्कुलर मोशन में शो सर्कुलर मोशन में शो करेगा लेकिन केस ये है कि अगर आप उसको स्लाइटली टिल्ड करते हैं अपनी वो गन को जिसमें से पार्टिकल शूट कर रहे हैं और थोड़ा सा उसका कंपोनेंट बना देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर नहीं exactly नहीं एग्जैक्टली करते आप आप थोड़ा सा टिल्ड कर देते हैं अपने गन को टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड तो एक सर्टेन एंगल पे वो पार्टिकल शूट होगा और उसका एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी होगा ठीक है तो फिर आपके पास ट्रैजेक्टरी कुछ इस तरह से मिलेगी ठीक तो ट्रेजिक आप ये देख रहे हैं ये इस तरह से तो ये थोड़ी ये स्पायरल बनेगी तो ये सर्कल में मूव हो रहा है जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो इसको सर्कुलर में मूव कर रहा है और जो आपके पास पैरेलल कंपोनेंट था इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो एज इट इज रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये वर्क डन नहीं करती मैग्नेटिक फील्ड तो कोई चेंज नहीं होगा तो पार्टिकल सर्कल में भी मूव होता चला जाएगा और आगे की तरफ भी जाता जाएगा क्योंकि उसका पैरेलल कंपोनेंट था इस डायरेक्शन में तो इसको ये स्पाइरल शेप अख्तियार कर लेगा तो ये एक तो मोशन आपने यहाँ से देख ली कि ये किस तरह से इंटरेस्टिंग मोशन जो आपको ट्रेजेक्टिस शो करते हैं पार्टिकल्स मैग्नेटिक फिर की वजह से